टुडे क्लास 9 केमिस्ट्री। इन प्रीवियस क्लास हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और टेम्परेचर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, होमवर्क भी दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि क्या होना चाहिए? फिजिकल स्टेट का चेंज होना चाहिए। पहले किसी फिजिकल स्टेट में हम तीन फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़े थे। एक क्या था? सॉलिड था। एक क्या था? लिक्विड था। और एक क्या था? गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़े थे। इनका इसमें चेंज, इसका इसमें चेंज, इसका इसमें चेंज, इसका इसमें चेंज, या इस डायरेक्ट ये इधर आ जाए या ये इधर चला जाए। तो ये आपस में जब चेंज होते हैं तो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है या फिजिकल स्टेट का चेंज माना जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझना चाहे, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में क्या है? वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर को जब हम थोड़ा हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर देते हैं, तो किसमें चेंज होता है? वाटर वेपर में चेंज होता है। वही टेम्परेचर जब हम लो करते हैं, मतलब कोल्ड करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो किसमें चेंज होता है? आइस में। फिर आइस को अगर हम टेम्परेचर गर्म करते हैं तो किसमें जाता है? वाटर में। और वाटर को हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो किसमें जाता है? वाटर वेपर में। और वहीं वाटर वेपर को हम क्या करें, थोड़ा कोल्ड करें, तो किसमें आ जाता है? वाटर में चेंज आता है, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। इट इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेट का चेंज हो रहा है। अगर देखा जाए अगला क्या है, नो चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी। मतलब केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं। केमिकल आइडेंटिटी मतलब आइस को भी अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? H2O पढ़ते हैं अगर। वाटर को भी पढ़े तो हम क्या कहेंगे? H2O कहेंगे। और वाटर वेपर को भी पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? H2O ही कहेंगे, कहेंगे ना। तीनों में क्या है? H2O ही है। तो इसमें क्या केमिकल चेंज कुछ हुआ? नहीं, तीनों H2O ही है। तीनों का काम क्या है? वही चीज है। H2O का काम है, H2O मतलब ये दोनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बने। तो क्या हुआ? केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट के चेंज। तो क्या किस किस कारणवश स्टेट चेंज होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। चेंज ऑफ स्टेट ब्रॉड बाय पहला क्या होता है अभी बताया, क्या बताया हम? चेंज इन टेम्परेचर बोला हूं ना। पहला क्या होता है? चेंजिंग इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में हम चेंज करें तो क्या होगा? फिजिकल स्टेट चेंज होगा। जैसे कि लिक्विड को अगर गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो किसमें जाएगा? गैस में। वहीं लिक्विड को थोड़ा टेम्परेचर घटाएं तो किसमें आ जाएगा? आइस में। दूसरा है चेंजिंग इन प्रेशर। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कम कर दें, प्रेशर कम कर दें तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगे? दूर भागना शुरू कर देंगे। दूर भागना शुरू करेंगे तो लिक्विड किसमें चेंज होगा? गैस में। वहीं अगर प्रेशर को बढ़ा दें तो लिक्विड के जो पार्टिकल और क्लोज आना चाहेंगे तो किसमें आ जाएंगे? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उनके बीच क्या है, स्पेस खाली है। तो स्पेस को भरेंगे जब हम प्रेस करेंगे तो प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा फैक्टर क्या क्या होता है? चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। मतलब कि हम टेम्परेचर को भी चेंज कर दें और प्रेशर को भी चेंज कर दें, दोनों को अगर हम चेंज करेंगे एक साथ तो भी हमारा फिजिकल स्टेट का चेंजिंग दिखेगी, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है चेंजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे, पहला क्या होता है? हम पढ़े थे थ्री स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, तो थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? इंटरकन्वर्टिबल, मतलब एक दूसरे से आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लिक्विड गैस में जाएगा, गैस लिक्विड में आएगा, लिक्विड सॉलिड में जाएगा, सॉलिड लिक्विड में जाएगा। तो ये सब क्या होता है? एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे आइस होता है, आइस क्या होता है? आइस को हम हीट करते हैं, मतलब क्या करते हैं?
टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म रहेगा या 0 डिग्री 2 पे। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मतलब सेल्सियस क्या 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस की तरफ होता है तो आइस पिघल किस में जाती है, वाटर में चला जाता है। तो हम क्या किए, टेम्परेचर 0 डिग्री से हम क्या कर दिए 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो सारी आइस पिघल किस में चली गई, वाटर। और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर बढ़ा तो किस में चला गया, हीट करने पे, वाटर में चला गया। ठीक है, अब वाटर में आया, फिर क्या करते हैं, वाटर का एग्जिस्टेंस कब तक होता है, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री से लोअर तक क्या होता है, वाटर का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हम एवेप करेंगे तो वाटर किस में चेंज होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा 100 डिग्री से 100 डिग्री से ऊपर होने लगा तो वाटर किस में चेंज होने लगा, वाटर वेपर में। मतलब कह सकते हैं पहले वाटर का टेम्परेचर अप टू 99 डिग्री सेल्सियस तक था, जैसे टेम्परेचर 100 से एवप हुआ तो टेम्परेचर वाटर किस में चेंज होने लगा, वाटर वेपर में चेंज होने लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर हम राइज किए तो आइस किस में गया, वाटर में। टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो वाटर किस में गया, वाटर वेपर। ठीक है, वैसे ही क्या किए, वाटर वेपर को अब क्या किए, टेम्परेचर को मान लीजिए वाटर वेपर का टेम्परेचर था 101, 102 जो भी था, मान करके 101 डिग्री सेल्सियस पे था। तो अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, मतलब वहां पे मैंने क्या किया, कोल्ड करना शुरू किया। तो क्या हुआ, टेम्परेचर घटा, जैसे ही इससे कम आया 99 से कम आने लगा, मतलब 100 से जब डिक्रीज करने लगा, 100 से कम होने लगा, तो क्या हुआ, ये चेंज किस में हो गया, वाटर में, इसमें आ गया वाटर फॉर्म में आ गया। फिर मैंने क्या किया, 100 सेल्सियस को फिर मैंने क्या किया, अप टू 1 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का एग्जिस्टेंस है, 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस से लोअर हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस से मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो क्या हो गया, आइस में चेंज हो गया। मतलब मैंने क्या किया, फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, यहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज, तीनों में टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ ना। तो ये क्या हुआ, चेंज ऑफ आइस इंटू वाटर, वाटर इंटू वाटर वेपर, कब, जब टेम्परेचर बढ़ा। चेंज ऑफ वाटर वेपर इंटू वाटर एंड वाटर इंटू आइस, कब, जब टेम्परेचर घटा। तो आइस किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, ये वाटर किस में, लिक्विड फॉर्म में, और वाटर वेपर किस में, गैसेस फॉर्म। तो तीनों क्या है, एक दूसरे के फिजिकल स्टेट है, मतलब तीनों क्या थे, फिजिकल स्टेट। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से, कि सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हुआ, गैस में। फिर गैस को हम ठंडा कर रहे हैं तो लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं तो सॉलिड आ रहा है। तो ये सब क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है आपस में, तो चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक है, तो आप एक और चीज समझ रहे हैं, वाटर वेपर होता क्या, द गैसेज स्टेट आर द सबस्टेंस विच कोएग्जिस्ट विद द इट्स सॉलिड और लिक्विड। ये सिंपल में वाटर वेपर जगह वेपर कर लें, यहीं पे वाटर वेपर लिख दें तो सबस्टेंस में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का कोएग्जिस्टेंस विद वाटर का मतलब वाटर लिक्विड गैस, किस पे कोएग्जिस्टेंस होता है, टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, सारे क्या होते हैं कोएग्जिस्टेंस, मतलब वाटर का ही फॉर्मेशन वहाँ पे रहता है और वाटर वेपर का भी फॉर्मेशन रहता है। तो यही वाटर वेपर, जब वाटर का वाटर जो चेंज होता है, वाटर जो जो सर्विस पार्टिकल्स उसके होते हैं दूर दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक हम तक शुरू करते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब क्या होता है, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल्ट कहते हैं ना, मेल्ट हो रहा है कोई चीज, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट यूजली बाई हीटिंग। कैसे, हीटिंग से, क्योंकि बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या है, इंक्रीज का सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब मैं कहीं लिखूँ ना तो इसका मतलब इंक्रीज, ऐसे लिखूँ मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट को मेल्ट करेंगे लिक्विड में, कब, जब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम क्या देखते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है,
बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है क्यों, और इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्यों, जब फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके जो इसकी क्या होगी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसके पार्टिकल तेजी से मोशन करने लगे, एनर्जी बढ़ गई तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, दूर भागने होने का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन होने लगा, मतलब पहले इस तरह थे अब इनके पार्टिकल ऐसे 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 हो गए, ऐसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी इंक्रीज हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, समझा। तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट यूजुअली बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग कहते हैं या उसे फ्यूजन कहते हैं। अगला है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि ऐसा पॉइंट जिस पे कोई सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगे, तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली ये क्या होता है, एक टेम्परेचर पॉइंट होता है, टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। लिखा क्या है, द टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, मतलब कि सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम एज लिक्विड, मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जब कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में चला जाए, और कब, जब वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, मतलब वन एटीएम प्रेशर हो, प्रेशर क्या हो, वन एटीएम हो, वन एटीएम को हम क्या लिखते हैं, 760 एनएम ऑफ एचजी, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वन एटीएम प्रेशर पे जब कोई सॉलिड चेंज होता है इसमें लिक्विड में, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सभी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर समझना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 273.15 केल्विन, यही होता है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट का एग्जिस्टेंस हो रहा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एट ऐसा टेम्परेचर जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होने लगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड या उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और रीजन क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होने का, मतलब फ्यूजन होने का, टेम्परेचर का इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस इंक्रीज हो जाता है, जब स्पेस इंक्रीज होगा मतलब पार्टिकल्स ऐसे थे तो कहाँ चले आए, ऐसे में हो गए, तो ये क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है। तो इसे आप नोट करो, ठीक है। तो आज मेल्टिंग पॉइंट तक कहने लेते हैं, आपको होमवर्क में क्या लिखना है, होमवर्क आज का है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द स्मॉलेस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, कौन सा इंटर मैटर होता है जो स्मॉलेस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस रखता है। अगला, नेम द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ऐसा स्टेट के बारे में बताना है, सॉलिड मतलब सॉरी ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हो। अगला, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है ये बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।